देश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फ का ये असर है कि जम्मू कश्मीर में बर्फ ने झीलों को नालों को जमा दिया है। हाल सिर्फ कश्मीर में बुरा नहीं है, रेगिस्तान के राजस्थान में भी तापमान 0 डिग्री के पास पहुंच गया है। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ है, पूरी झील बर्फ बन गई है। पाइपलाइन से टपकता पानी जम गया है। ये जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है जो बर्फ नगर जैसा नजर आ रहा है। पानी नहीं है यार, पानी का प्रॉब्लम है, हमें गांव में पानी जम गया सब। ठंड है, सर्दी शुरू होगी, नलके लग गए, 8 दिन से हमें पानी नहीं है। 5 किलोमीटर दूर से हमें नाले से पानी लेना पड़ता है। यहाँ पिछले दिनों खूब बर्फबारी हुई और अब तापमान इतना नीचे गिर गया कि आलम ये है कि कई झीलें जम गई। हम इस समय श्रीनगर के हारवन इलाके में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पानी यहाँ पे जमा है, ये इसके ऊपर एक बर्फ की परत बन चुकी है। मैं दिखा सकता हूँ आपको कि ये वो बर्फ की परत है जो जम चुकी है यहाँ पे। तकरीबन 1 इंच के करीब मोटी बर्फ की परत इस पूरे पानी के जो तालाब हैं यहाँ पे बन चुकी है। आप देख सकते हैं कि मैं ये अगर बाहर फेंकूं तो ये पूरा जो है ये ठोस बर्फ बन चुका है। जमी झील देखने के बाद अब जरा इस तस्वीर को देखिए। यहाँ रिहायशी इलाके में पानी पहुँचाने वाली पाइपलाइन भी बर्फ में जम चुकी है। मेरे पीछे एक वाटर सप्लाई स्कीम है, पानी की टंकी बनी हुई है और उसमें से पानी छलक के बाहर आ रहा है, लेकिन जहां पर यह पानी गिर रहा है वहां पे लंबी लंबी बर्फ की छड़ी है जिनको आइसिकल्स कहते हैं, वो बन जाती है। ये ठोस बर्फ बन चुका है और इस पर मैं आराम से चल सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस पानी की धारा के ऊपर मैं खड़ा हूँ और आराम से चल सकता हूँ। यानी तकरीबन 2 से 3 इंच मोटी बर्फ की ये परत यहाँ पे बन चुकी है, जो सिर्फ इस वजह से बनी है कि जो ठंड पहाड़ों में पड़ रही है वो काफी ज्यादा है। नतीजा ये है कि पानी ना मिलने से परेशान लोग अब दूसरी पाइपलाइन डाल रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में पड़ी ठंड का असर जो नलके हैं उन पे पड़ता है। आप देख सकते हैं ये वो वाटर सप्लाई का नलका है जिसमें बर्फ की लंबी लंबी छड़े लगी हुई हैं और यही बर्फ इस नलके के अंदर भी लग चुकी है, जिसके कारण इस पूरे इलाके में पानी की सप्लाई ठप हो गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गांव के लोग अब खुद ही एक नई पाइप लेके आए हैं जिसमें पुराने पाइप के टुकड़ों को जोड़कर अब इसको वाटर सप्लाई स्कीम के साथ जोड़ देंगे और ताकि जो तकरीबन 50 या 60 घर इस इलाके में आगे रहते हैं उन तक पानी की सप्लाई पहुंच सके। श्रीनगर के अलावा जम्मू कश्मीर के द्रास, करगिल और गुलमर्ग में भी तापमान 0 से काफी नीचे चल रहा है। अब आपको दिखाते हैं रेगिस्तान में ठंड का सितम। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में सर्दी बर्फ की शक्ल में सामने आ रही है। यहाँ पेड़ पौधों का क्या हाल हुआ है देखिए। आपको बता दें कि फतेहपुर शेखावटी में गर्मी के दिनों में तापमान 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। राजस्थान के सीकर में भी तापमान 0 डिग्री के नीचे है। नतीजा ये कि मैदानी इलाकों में घास पत्ते सब पर बर्फ जमा हो गई और ऐसे में ठंड से बचने के लिए अलाव ही लोगों का सहारा बन रहा है। ABP News आपको रखे आगे।